हमें किसी पक्ष का किसी के एडवर्टाइज नहीं करनी, लेकिन जब मैं बेरोज़गार था और रात रात भर साइकिल चला के तेल्हारा से भुसावल, तेल्हारा से अमरावती साइकिल से रात रात भर चलता था, तो इंदिरा गांधी, माताजी इंदिरा गांधी के भाषण उन्हीं की आवाज़ में बड़े ज़ोर ज़ोर से कहता था। और वो भाषा इस तरह थी, लोग कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, लोग कहते हैं कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। तो मैं पूछती हूँ, क्या सरकार कोई जापान अमेरिका से आए हुए आदमी है? वे हमारे भाई बहन हैं, हमारे सगे वाले हैं, हमारे जात वाले हैं, हमारे तालुका के हैं, हमारे लोग हैं। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना हक मांगेंगे, तभी वो इसको समझ पाएंगे। तो आओ लोगों, हम अपना हक मांगे। हमारे बच्चों को क्या क्लास में मित्र उपक्रम पढ़ाया जाता है? अगर ये 27 जनवरी 2012 और 28 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट में अप्लाई किया है माइंड इन ट्रेनिंग राइट अवेयरनेस, तो क्या इसकी अमल बजावनी सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की है? नहीं, ये जिम्मेदारी हमारे 13 करोड़ लोगों की है। जब हम 13 करोड़ लोग इसको समझेंगे और इसमें शामिल होंगे, तभी फिर चाहे ट्यूशन क्लास हो, स्कूल हो, एक घर हो, फैमिली हो, सबके पास ये मंगलकारिणी विद्या पहुँचेगी। हमारी एक नई पीढ़ी निर्माण होगी, जिसमें अभी एक बड़े नेता कहते हैं कि भारत में 1.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और उसमें के 1 लाख एक्सीडेंट के बच्चे जो मर जाते हैं वो 18 से 24 साल तक रह के होते हैं। आओ लोगों, हम इस गंभीरता को सोचें। अभी घर घर में, पेपर में, न्यूज़ में बच्चे ने माता पिता को, दादाजी को स्टैबिंग किया, ये बातें, खुद का जीवन नाश किया, ये बातें आम होती जा रही। 10 में से 3 डाइवर्स हो रहे, हमारे वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही। इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है, जब हमारे मन में मंगल भावना होंगी, तब हमारे संतान में, हमारे बच्चे में मंगल भावना होगी, करुणा होगी, दया होगी। आओ फिर मैं इंदिरा जी के ही भाषण में कहता हूँ, मैमेक्री में, एक नए सपनों का, नए जीवन का संकल्प करें। पहले मैं कहती हूँ, कड़े अनुशासन, निष्ठा, लगन के साथ और कड़ी मेहनत के साथ अपना भविष्य बनाए। पहले मैं जोर से कहती हूँ, फिर आप मेरे पीछे कहिएगा। तो अंधेरे में मित्रों, मैं ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देके चलता था, भारत माता की जय। फिर मैं खुद ही अपने नागरिक होने के नाते कहता था, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ हम सब साक्षर बने, यही मेरी आप सभी को शुभकामना है।